देखिए MUPS अपोलो न्यूज, हर खबर आपके सामने। MUPS अकोलो न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गुरुवार 9 अगस्त को अकोला मराठा समाज की ओर से किया गया आंदोलन, आरक्षण की मांग को लेकर आज सुबह 11 बजे निकाली गई मोटर बाइक रैली, जहां आज सुबह से ही स्कूल कॉलेज और सरकारी बसों को बंद किया गया। व्यापारियों ने भी अपना समर्थन देकर अपनी दुकानें बंद रखी। आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में कई दिनों से चल रहे आंदोलन से आज अकोला में भी मराठा समाज सड़कों पर उतर आया। यह आंदोलन शांति रूप से निकाला गया, जहां पुलिस की ओर से कड़ा बंदोबस्त रखा गया। इस मोटरसाइकिल रैली में हजारों युवक युवतियों ने हिस्सा लेकर सरकार का निषेध किया, कहा कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा ऐसे आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में निकाले जाएंगे। ये रैली हाथ में झंडा लेकर नारे लगाते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कलेक्टर ऑफिस पहुंची, जहां मराठा समाज की ओर से अपने भाषणों में सरकार का निषेध किया गया, जिसकी वजह से गुरुवार 9 अगस्त को अकोला शहर शत प्रतिशत बंद रहा। कैमरामैन राजीव खान पठान की रिपोर्ट। आज महाराष्ट्र के इस मराठा समाज ने और पूरे अठारह पगड़ जाति ने जो मराठा समाज को समर्थन किया, उस माध्यम से आज मराठा समाज ने पूरे महाराष्ट्र में शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आंदोलन किया है। हमने आज यहाँ पे जो आंदोलन किया है उसमें कहीं पे भी कोई हिंसा हुई नहीं है। हमने शांति महात्मा गांधी के मार्ग से दिए पथ पर हम चलकर आज हमने यहाँ पे यह आंदोलन किया है। कहीं पे अगर गलती से कोई मराठा समाज से कोई अनहोनी हुई होगी तो उसके जिम्मेदारी पूरी मराठा समाज स्वीकारता है। उसकी पूरी नुकसान भरपाई उस आदमी की पूरी करने की जिम्मेदारी मराठा समाज ले रहा है। बट मैं इस खाली मराठा समाज को नहीं, इस देश के सारे समाज को विनंती करता हूँ कि ये खाली मराठा समाज की आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की भी लड़ाई है। आज एक बहुत बड़ा वाकया इस देश में हुआ है कि इस देश के कोई भी समाज की मांग अगर रहती है, वो थोड़ी सी भी मांग अगर कोई पत्रकार भी करता है, जैसा प्रसून कुमार वाजपेयी को भी इन्होंने उनके पद पर से हटा दिया। इस तरीके की हुकुमशाही देश में है, इस हुकुमशाही के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि जिस मराठा समाज आर्थिक दृष्टि इतना हतबल हो गया है और आज आत्महत्या करने के कगार पर आ गया है, खेती किसान यहाँ पे आत्महत्या करने के कगार पर आ रहा है, इनकी तरफ भी ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमारी ये सरकार से नहीं, हमारे सारे इस देश के राजकीय उन नेताओं से लड़ाई है जो समाज से चुनकर आते हैं, हमारा मत का अधिकार लेते हैं और हमको कुछ देते नहीं है। उस सब के खिलाफ करता हूँ कि इस महाराष्ट्र के हर समाज ने हमारे कंधे से कंधा देकर हाथ में हाथ मिलाकर ये मैं बोलूँगा कि ये फिर से 1857 के बाद से फिर से ये क्रांति की लड़ाई है। इस क्रांति की लड़ाई में शामिल होना चाहिए। मैं साहब विनंती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि तुम हमारे साथ लड़ो, हम भी तुम्हारे हक के लिए लड़ेंगे। हमारे हक के साथ साथ हम इस समाज के हर इंसान के, हर आदमी के, हर समाज के छोटे से छोटे घटक के लिए लड़ेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। UPS अकोला न्यूज चैनल को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।